नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव कुमार। आप देख रहे हो डी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल। अगर इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाले ऐसे ही हेल्पफुल ब्लॉग की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले और सबसे जल्दी पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए हर 48 घंटे में एक सेकेंड हैंड बाइक का वीडियो बना के लाऊंगा, जिसके आप सेकेंड हैंड बाइक के रूप में परचेस करते हैं। तो दोस्तों, उसी के चलते लेके आया हूँ आपके लिए आज एक और नई बाइक, जिसको आप सेकेंड हैंड बाइक के रूप में खरीद सकते हैं अगर आप कोई सेकेंड हैंड बाइक परचेस करने की सोच रहे हो। तो दोस्तों, कौन सी है वो बाइक, कौन सा है मॉडल, कितने किलोमीटर चल गई है, टोटली रिव्यू करने वाले हैं आज के इस वीडियो को। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों, वीडियो को रिव्यू करने से पहले आप पहले उस बाइक के सिनेमैटिक शॉट देखिए, फिर हम आगे बाइक का रिव्यू करते हैं। तो आप पहले बाइक के सिनेमैटिक शॉट देख लीजिए। A sense of threat that I can't forget. I wanna know who you are. This is what I need to know. Oh, oh. So take my hand and let our fears go. Take me to your jungle where the rain is warm and the birds fly. Take me to your kingdom. Yeah, take me to the. Yeah, take me to the. तो दोस्तों, जैसा कि आपने बाइक के सिनेमैटिक शॉट देखे हैं, तो अब इस बाइक का हम टोटली रिव्यू करने वाले हैं। तो जैसा कि अब हम बात कर लेते हैं इस बाइक के मॉडल की। तो ये बाइक ब्रांड है, होंडा ब्रांड की बाइक है। और बात करते हैं इसके मॉडल की, तो ये सीबी ट्रिगर 125 सीसी वाला बाइक है, जो कि होंडा ब्रांड का है और स्लिप स्टार्ट मॉडल है ये। और ये मॉडल सन 2016 के सितंबर मंथ का मॉडल है, जो कि मेरे हिसाब से तकरीबन 4.5 साल पुरानी बाइक है। और बात करें इसके किलोमीटर की, तो ये बाइक आज तक 48,000 किलोमीटर चल चुकी है। मतलब 48,000 किलोमीटर साढ़े चार सालों में सिर्फ 48,000 किलोमीटर चली हुई ये बाइक है। बात करें इसके टायर्स की, तो टायर्स की कंडीशन आप देख सकते हैं, बिल्कुल न्यू टायर भी इसमें डले हुए हैं, न्यू टायर है। नए टायरों के साथ साथ इसकी बैटरी भी नई लगी हुई है। बात कर लेते हैं इसके डिस्क ब्रेक की, तो फ्रंट के टायर में, मतलब आगे वाले टायर में इसके डिस्क ब्रेक है। तो बात करते हैं इसकी डॉक्यूमेंट्स, सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, इंश्योरेंस गाड़ी का कंप्लीट नहीं है। इंश्योरेंस अगर आप लेते हो तो आपको करवाना पड़ेगा। बात करते हैं कि ये बाइक प्राइस कितनी है, तो प्राइस आप यहाँ साइड में देख सकते हो, इस बाइक की प्राइस है 38,000 रुपये। और अब मैं बात करता हूँ बाइक जयपुर में कौन से एड्रेस पर आपको मिलेगी। तो साइड में मैं आपको एक एड्रेस मेंशन करा रखा हूँ, आप इस ऑर्डर एड्रेस पे ये बाइक ले सकते हो। अभी मैं आगे आपको इस जिस कस्टमर की ये बाइक है, मैं उनके आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी
प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आप इस बाइक लेना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर कमेंट ना करें प्लीज़। नंबर कमेंट करने के लिए इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से जितने फ्रॉड करते हैं बाइकों के मामले में, वो आपसे कमेंट मतलब फ़ोन नंबर पे बात करते हैं और अपने इस चैनल के नाम से आपसे कुछ पैसे ले लेते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप कमेंट ना करें। ये साइड में मैं जिनकी ये गाड़ी है उनके नंबर यहाँ पे साइड में यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। और जिस बाइक के मॉडिफिकेशन की बात करें तो ये बाइक टोटली नॉन मॉडिफिकेशन है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। और एड्रेस मैंने आपको एक बार फिर से यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा और बाकी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटे के आइकन को प्रेस कीजिए। और आपको कौन सी लोकेशन की गाड़ी चाहिए, ये तो जयपुर लोकेशन की गाड़ी है, कौन से स्टेट की गाड़ी चाहिए, कौन से ज़िले की गाड़ी चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं आपके लिए वहाँ की स्टेट उस स्टेट की बाइक की उस डिस्ट्रिक्ट के बाइक की गाड़ी वीडियो बना के आपके सामने ला सकूँ। आप कमेंट करके ये चीज़ मुझे ज़रूर बताएं। और ऐसे ही सेकेंड हैंड बाइक्स को और सेकेंड हैंड कार्स और सेकेंड हैंड आइटम्स के वीडियो देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और घंटे के आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे सलामत रहे। जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए।